देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जख्मी सड़क, घायल राहगीर और अधिकारी संवेदनहीन। जी हाँ, यही हकीकत है ऋषिकेश मुखर्जी बाजार से त्रिवेणी घाट जाने वाले संपर्क मार्ग की, जो कि पालिका अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रुख की वजह से अपने बेबसी पर आंसू बहाता दिख रहा है। ऋषिकेश में घटिया निर्माण सामग्री की वजह से विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल है। इनमें आए दिन रपट कर दुपहिया वाहन चालक बुरी तरह से जख्मी हो रहे हैं। शहर में चाट वाली गली के नाम से मशहूर मुखर्जी बाजार से त्रिवेणी घाट जाने वाला संपर्क मार्ग पिछले कई माह से लोगों के लिए हादसों का सबब बना हुआ है। बुरी तरह से जख्मी हो चुकी इस सड़क पर आए दिन घटनाएं घटित होने से लोगों को उपचार के लिए अस्पताल का रास्ता नापने को विवश होना पड़ता है। गौरतलब है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा मानसूनी मौसम के आधार से पूर्व मुखर्जी मार्ग पर भरे जाने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए सिंधी धर्मशाला तक सड़क की गहराई खुदाई करके पाइपलाइन बिछाई गई थी। इस कार्य में जबरदस्त लापरवाही बरती गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों द्वारा क्षेत्रीय सभासद का घेराव कर पालिका प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाई गई थी। कई दिनों तक पाइपलाइन बिछाने के लिए चले कार्य के दौरान स्थानीय व्यापारियों का व्यापार भी पूरी तरह से ठप रहा था, लेकिन लंबी मशक्कत के बाद जब यह कार्य पूर्ण हुआ तो यह निर्माण कार्य भारी लापरवाही और नियमताओं की भेंट चढ़ गया। बुरी तरह से उधड़ चुकी सड़क पर पालिका प्रशासन की नजरें इनायत न होते देख क्षेत्र के दुकानदारों ने आज अपने आप ही पैसा इकट्ठा करके टूटी सड़क की मरम्मत करानी शुरू कर दी। इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैयद मुमताज हाशमी ने बताया कि अनेकों दफा पालिका प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की गई है, लेकिन सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद अभी तक अधिशासी अधिकारी इस मामले को लेकर आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। हालत में है, कई दफा जा चुका, सबसे कह चुका, वर्बली जा जाके कह दिया, मोबाइल पर कह दिया, अब रोज हादसे हो रहे थे। कल एक बच्चा बच गया सिर फटते तो उसकी वजह से इन दुकानदारों ने, रोज मुझे ही ठोकते थे दुकानदार, उसकी वजह से इन्होंने ये काम कराया बेचारों ने अपने पैसे से। अधिकारी गण या अदरवाइज कोई भी जिम्मेदार आदमी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और जबकि लिंक हाई मिनी हाईवे लिंक रोड है, एक तरह से इतना लोड है इस पर गंगा जी के होने के नाते, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की। लिखित में सारे साइन करवा के दिए थे वहाँ, इन्होंने लिखित में भी दे रखा, मैं तो खैर मोबाइल से ही अदरवाइज जा के थक गया, अब भी वहीं जाने के इरादे से निकला था, तो ये देखा कि मैंने कहा भाई शायद अधिकारी गण आ गए होंगे, करा दिया, तो पता चला इन लोगों ने कराया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि लावारिस हो गया है शहर, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। प्राइम स्टोरी के लिए ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट।